नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, देखा गया है कि जो नया पोर्टल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, उसमें कहना ये है जो पुराने यूजर्स हैं, जो पिछले सालों तक जो पुराना पोर्टल था, वेबसाइट थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वहाँ पर जब रिटर्न भरते थे तो वहाँ पर उनके रिटर्न की पूरी डिटेल आती थी। तो उनका कहना ये है कि क्या नई वेबसाइट पर वो रिटर्न की डिटेल आएगी या फिर वो डिलीट हो गई है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी वो पूरी डिटेल आएगी। उस डिटेल के लिए जो है आपको लॉगिन करना होगा, आपके पुराने ही आईडी पासवर्ड जो उस वेबसाइट पर चलते थे वो यहाँ भी काम करेंगे। और आप लॉगिन जब कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर सेशन टाइम चल रहा है, ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर आपको यहाँ पर जो ई फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जो है आप चाहे तो यहाँ से पहले स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद ये प्रोफाइल अपडेट के लिए एक मैनुअल बनाया हुआ है इन लोगों ने। और अब जैसे ही ये आपका देखिए डैशबोर्ड आ गया है, यहाँ पर जो है ऊपर जानकारी आएगी कि आपको ईयर एंड से पहले कौन सा वाला असेसमेंट ईयर जो है सेशन में आपको ITR फिल करना है, और नीचे जो जानकारी है। तो दोस्तों, आपको जाना है यहाँ ई फाइल पर जाने के बाद आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न्स पर, और यहाँ पर आपको जो है जाना है व्यू फील्ड रिटर्न्स पर। ये आप देख पा रहे हैं, आप व्यू फील्ड रिटर्न्स पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फील्ड रिटर्न्स पर, ये देखिए तो ITR का जो स्टेटस है वो ओपन होगा, और पिछले वर्षों में आपने जितने भी यहाँ पर ITR भरे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे केसेस में 3 ITR फिल हैं। इनकी अगर आपको एक जगह जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी, और दोस्तों यहाँ पर लिखा भी गया है कि असेसमेंट ईयर 2013-14 के बाद से यहाँ पूरी जानकारी आप अवेलेबल रहेगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पूरे ITR की जानकारी, ये देखिए एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो रही है, यहाँ डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं ये हमारा ITR है पिछले साल का, यहाँ पर ITR फाइल्ड बाय डेट सेक्शन, और रिफंड होने का इशू डेट वगैरह सब आ रही है यहाँ पर। दोस्तों, जो फॉर्म है वो डाउनलोड अभी नहीं हो रहा है उसको, क्योंकि ये वेबसाइट अभी नई नई लॉन्च हुई है, 7 तारीख को ये लॉन्च हुई है, तो इसके जो है वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी जल्द। और यहाँ से आप जो है रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप उसका XML भी जो है डाउनलोड कर पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों जो है आप नीचे और विगत वर्षों में जो आपने ITR फिल किया होगा उसको भी आप यहाँ से जो है ईजिली देख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन ही आप इसको चेक कर सकते हैं। आपका पूरा डाटा कहीं नहीं गया है, ये पूरा डाटा आपको आपके इसी लॉगिन ID पासवर्ड पर आने के बाद आपको जाना होगा ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में, और इसके बाद आपको जाना है व्यू फाइल्ड रिटर्न्स, जो कि पहले भर दिए गए हैं उन रिटर्न्स पर आपको जाना है, और यहाँ से आपको पूरी जानकारी इसकी जो है मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था वीडियो आप लोगों को बताने के लिए कि आप जो है पुराने पिछले साल के रिटर्न्स को देखने के लिए आपको क्या करना होगा इस नए पोर्टल पर। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।